थोड़ा पीछे ना एक्सक्यूज मी यहाँ पे बस क्यों ना बहुत एक्सक्लूसिव हो गया मैम प्लीज आइए ना मैडम Thank you. Yeah. Okay, I'll get Thank you. So exciting about this evening's event is that we have our technical team in full strength. The last time we had our actors in full strength, today we have the most important core technical team here, and I'm glad that they're all here to be with you and talk to you. After we screen the theatrical trailer for you, they will all be here on stage to address you. Could we, in the meantime, have the theatrical trailer projected, please? Thank you. The story of Gaur Haridas. Gaur Haridas, who fought for the best years of his childhood, sacrificing his education for the independence of the country, and then fought for the best years of his life, 30 years, for an identity, for a freedom fighter's identity, for recognition, for acknowledgement. I'd like to call up on stage our guest of honor, the mayor, Mrs. Snehal Ambika. May I request Pankhuri to welcome her with a bouquet of flowers. Vindhya, would you like to do the honors? Thank you. May I call upon Aye sir. Sunil Devdar Saab. Vindhya ji. Yes, of course. It's always a lady's prerogative. Thank you. Devdar ji, please, I request you to stay back. I'd like Snehal ji to address us before I introduce the rest of our team members. Namaskar. ये तो ट्रेलर है, पिक्चर अभी बाकी है. सही में मुझे लगता है कि एक पिक्चर नहीं बल्कि एक जीवन कहानी है. और सही मायने में आनंद जी ने प्रोड्यूस ये है, निर्माते हैं, डायरेक्टर है. और खानोलकर दाम्पत्य जिसे कहा जाएगा, खास करके सचिन और बिंदिया जी का मैं स्वागत करूंगी कि उन्होंने सिद्धिविनायक प्रोडक्शन के अंतर्गत सिंधुताई सकपाल ये एक मूवी पहले ही उन्होंने लॉन्च किया था. और उसकी सक्सेस देखते हुए मैं कहना चाहूँगी ये उनकी शुरुआत थी और ये उनकी घोड़ दौड़ है और ये शुरू है और ये चलती रहेगी. मैं इतना ही कहूँगी कि नाम में ही देखो गौर कीजिए, गौर. ये एक सही में आत्मचरित्र बोल सकते हैं, एक स्टोरी, ट्रू स्टोरी है. लेकिन सही में एक हम लोग को विचार करने के लिए प्रवृत्त करता है कि सही मायने में उन्होंने फ्रीडम फाइटर ने काम किया इसलिए कि आज उन्हें अपनी आइडेंटिटी फाइंड आउट करने की ज़रूरत पड़ी है. तो ये कहीं पे 30 साल मैं कहूँगी बहुत बड़ा पल्ला रहता है जो उन्होंने इतनी शहनता से
पार किया तो कहीं पे सिस्टम के लिए मैं बोल सकती हूँ ये जरूर कुछ सीखने वाली बात है और हर जनरेशन को ये फिल्म देखनी चाहिए क्योंकि इसमें हम ऐसे डिफाइन नहीं करेंगे कि ये सिर्फ बच्चों के लिए है बूढ़ों के लिए है जवानों के लिए है मैं कहूँगी कि हर भारतीय के लिए ये फिल्म है कि उनको पता चले कि जिन फ्रीडम फाइटरों ने हमारे लिए काम किया और आज हम उनको क्या दे पा रहे हैं एक समाज में अच्छा स्थान दे पा रहे हैं आज उनको पूछा जाता है कि आइडेंटिटी दिखाओ वो जो पत्र रहता है जिसमें उल्लेख किया है वो पत्र दिखाओ अगर नहीं है तो उनको 335 दौड़ पे अगर जाना पड़ता है तो मेरे ख्याल से आज इस सभी यहाँ पे बैठे हुए लोगों को ये बहुत ही शर्मनाक बात है और ऐसे अगर आप आके आके समाज का अगर प्रबोधन करते हैं तो मैं चाहूँगी आपका बहुत बहुत शुक्रगुजार करती हूँ मैं और अभिनंदन करती हूँ और इस फिल्म को जो तारीख दी गई है 14 अगस्त वो भी बहुत मेरे मायने में बहुत ही महत्वपूर्ण है लोग आके देखें और ज़रूर इस पे ऊपर गौर करें मुझे यहाँ पे बुलाया सम्मानित किया इसलिए मैं सभी लोगों का सभी माननीय लोगों का देवधर जी का और आप सभी टीम का शुक्रगुजार करूँगी और सभी को ऑल द बेस्ट कहूँगी कि पिक्चर चल पड़ी एक सिर्फ मेरी तरफ से आपको और खानोल का दंपति का मेरी तरफ से एक सत्कार Thank you, please. You know, I bet you. Thank you so much. Has been a very big well-wisher of this film, and I'm extremely grateful because कभी-कभी इस तरह की फिल्में बनाकर हमें थोड़ा सा nervousness होता है, थोड़ा सा आशंका होता है कि हर तरह के audience को क्या ये फिल्म पसंद आएगी, और हम किनके लिए ये फिल्म बना रहे हैं, खासकर जब ऐसे महान आदमी गवर्नमेंट से हैं सरकार की तरफ से हैं और उनको ये फिल्म दिखाते वक्त हमें बहुत डर लगता है लेकिन मैं उन्हीं की जबानी सुनना चाहूंगा कि उनको ये फिल्म कैसी लगी अनंत जी आपने मुझे महान कहा मराठी में मैं बताऊं मैं लहान आदमी हूं महान आदमी नहीं हूं छोटा हूं बहुत लेकिन विचारों की उड़ान जो है बहुत बड़ी है और मैंने ये फिल्म देखी बहुत ही बेहतरीन फिल्म है तो सच बताऊं तो व्यक्त करने के लिए हिंदी भाषा के शब्द कम पड़ेंगे ऐसे इसका वर्णन किया जा सकता है मैंने फिल्म देखी बिना इंटरवल के पता ही नहीं चला फिल्म समाप्त कब हो गई शुरू से लेकर अंत तक मराठीत म्हणतात एका जागेवर खिळवून ठेवणारी इसको हिंदी में क्या बोलते हैं मुझे मालूम नहीं है एक जगह पर ही आप बैठते हो हिलते नहीं है और जिन्होंने साक्षात गौरहरी दास्तान दास जी को उतारा है वो तो नंबर वन है उसमें तो कोई डाउट ही नहीं है बहुत ही जबरदस्त है मतलब तो बहुत ही जबरदस्त है और नायक से लेकर प्यून तक या वो जो दलाल है जो कहता है कि मेरे पाववड़ा का बिल भी तुम ही दे दो वहां तक हर एक व्यक्ति ने जान पूरी तरह से उसमें डाल दी है और मैं कहूँगा ये पर्दे पर जो लोग हैं और पर्दे के पीछे जो लोग हैं इन सब का एक अप्रतिम टीम वर्क का लाजवाब नमूना है और बहुत बड़ा आप लोगों ने एक रिस्क लेकर एक कदम उठाया है क्योंकि दुर्भाग्य से हमारे देश में देशभक्ति ये बहुत ज़्यादा चलने वाली चीज़ नहीं है यहाँ पर 15 अगस्त और 26 जनवरी दो दिन ही जो है मेरे देश की धरती सोना उगले उगले हीरे मोती लगता है और लगता है तब रोंगटे खड़े हो जाते इतना पक्का है लेकिन इस प्रकार की फिल्म को निर्माण करना ये आपने एक बहुत बड़ा कदम उठाया है और मैं आप सबको आह्वान करूँगा कि आप सोशल मीडिया में इस फिल्म को बहुत तेज़ी से उठाएँ सब लोग ट्वीट करें सब लोग फेसबुक पर इसके ऊपर डालें
और जितना इसको वायरल कर सके कि हर हिंदुस्तानी ने ये फिल्म देखनी चाहिए। और मैं कमिटेड हूँ, मैंने इनसे वादा किया है दिल्ली में इसका प्रीमियर जो है मैं हर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को इनवाइट करूँगा, इस देश के हर मंत्री को मैं इनवाइट करूँगा, मैं प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में मैंने ऑलरेडी इस फिल्म के बारे में बता दिया है, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को मैंने पूरी कहानी के साथ फिल्म बता दी है अमित भाई शाह जी को, और मैं अपनी तरफ से पूरी ताकत से प्रयास करूँगा कि नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बनने के बाद मेरा विश्वास है कि पूरे देश भर में एक देशभक्ति का माहौल स्वाभाविक बढ़ गया है, क्योंकि हर भाषण में देशभक्ति आती है। तो मुझे पूरा विश्वास है कि ये फिल्म जो है वो सफलता की हर उड़ान प्राप्त करेगी और सभी प्रकार के अवार्ड्स इसको मिलने चाहिए थे। टेक्निकली वो क्या हुआ मेरी जानकारी में नहीं, क्योंकि मैं इस लाइन में नहीं, फिल्में बहुत देखता हूँ लेकिन इन चीज़ों की जानकारी नहीं है। मेरी आप लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं, और सिर्फ सुखी शुभकामनाएं नहीं, एक्टिवली मैं एक कार्यकर्ता बनकर इस फिल्म के लिए आने वाले दिनों में काम करूंगा। बहुत बहुत शुक्रिया देवधर जी, बहुत बहुत शुक्रिया, इससे ज्यादा हम आपसे क्या मांग सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर योर गुड विशेस। ओके, द एक्टर्स आर गोइंग टू फॉरगिव मी बिकॉज आई एम गोइंग टू कॉल द टेक्नीशियंस फर्स्ट। That cat call was from the most sober man in this film. Okay, the most important technician of the evening, or rather the duo of technicians, I would call them technicians. I wouldn't just restrict them to being producers of the film. I'd like to call on stage the people actually responsible for this film being made. I'd like to call Bindiya Khanolkar and Sachin Khanolkar, producers. Please give them a big hand. I've been very fortunate that the best talent in the country agreed to work on this film. I feel sometimes I'm very, very blessed to have had them. Dr. L. Subramaniam, who has scored the music for this film, is incidentally not here. He's in Bangalore. He's not keeping too well. But इन्होंने मीरा नायर के सलाम बॉम्बे के बाद करीबन 30-35 साल के बाद इन्होंने एक हिंदी फीचर फिल्म के लिए संगीत दिया है, म्यूजिक दिया है, और मैं बहुत बहुत आभारी हूँ उनका कि उन्होंने एक वर्ल्ड क्लास स्कोर दिया है। लॉस एंजलिस, पोलैंड और ऐसे जगहों पर जाकर उन्होंने इस संगीत को रिकॉर्ड किया है, और हम बहुत जल्द ये साउंड ट्रैक जो है आपके सामने लाएंगे, मीडिया के सामने लाएंगे, दुनिया के सामने लाएंगे, और ये साउंड ट्रैक हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण जश्न में रिलीज करेंगे इस महीने के आखिर में, जो आपको बताया जाएगा। दैट विल बी एन इवेंट बाय इटसेल्फ। मैं आमंत्रित करना चाहूंगा उस आदमी को जिन्होंने विनय पाठक को गौर हरिदास बनाया, मिस्टर संतोष गायके, आ मेकअप आर्टिस्ट। संतोष जी आइए। Thank you, Santosh ji, for such wonderful work in the film. Thank you very much. वो शख्स या वो दर्जा जिन्हें हम बहुत कम जानते हैं लेकिन बहुत बहुत इंपॉर्टेंट, महत्वपूर्ण जगह रखते हैं फिल्मों में, the re-recording engineer and sound designer. Please welcome the National Award winner, Mr. Anoop Dev. Thank you, sir. Thank you for being with us. And thank you for such wonderful work on the film. जब हम शेर देखते हैं, when we see the tiger, मुझे शेर नहीं नजर आता है, मुझे एक कैमरा नजर आता है जो शेर के ऊपर रखा गया है, और वो आदमी शायद इस दुनिया में वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी में
सबसे बेहतरीन है, द नंबर वन वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द वर्ल्ड, द एमी अवार्ड विनर मिस्टर अल्फोंस रॉय. ये हमेशा टोपी पहनते हैं ताकि हम कह सके कि हैट्स ऑफ टू यू, तो हैट्स हैट निकाल देते हैं. ऑल राइट, आई होप आई एम नॉट मिसिंग आउट एनीबडी. वी कम टू द क्राउनिंग ग्लोरी ऑफ गौर हरिदास्तान, एंड दिस इज नॉट बिकॉज द जेंटलमैन हैज ब्रॉट इंडिया ग्रेट ग्लोरी. द जेंटलमैन हैज ब्रॉट इंडिया an Academy Award, he's brought us an Oscar, but because the man himself is such a genius with sound. Jab aap is film ko dekhenge, aapko pata chalega ki why Mr. Rasool Pukutty is amongst the best in the world. Please come forward, Mr. Rasool Pukutty. Thank you, sir. Thank you so much. We're indeed grateful to Rasool sir for having worked with us on this film. Okay, now the so-called faces on screen, the faces that gave life to the characters on screen. I'd like to start with the person who adapted the film for the Hindi screen, the screenplay which C.P. Surendran had written. I'd like to call Mohan Azad on stage. Mohan Azad khud hi ek director hai. He's also a wonderful actor. He is my co-actor in the play Bottoms Up, and he's done a lot of other plays. Mohan Azad has also written the national award winning film Chandni Bar. So please give him a big hand. So coming back to my colleagues, I'd like to start with a person who is like the Prime Minister of India. He doesn't live in this country often. Mr. Rahul Vora. He lives in France. So we are fortunate to have him here in India. It's very rare that an actor does a single scene and is remembered throughout the film. I also want to thank this actor because he is a superstar in Marathi, but he agreed to do this role for us and for the producers Sachin and Bindiya. Please welcome with a loud round of applause Siddharth Jadhav. Jab heroes introduce hote hain filmon mein, हम अक्सर चाहते हैं कि कोई यंग डैशिंग फेस ले लें, लेकिन इस बार हमें एक ऐसा चेहरा चाहिए था जो हम में से एक है और जो गौर हरिदास का बेटा बना इस फिल्म में. वी आर इंट्रोड्यूसिंग दीपक सतसले. थैंक यू दीपक. ये बहुत कम होता है, इट्स वेरी रेयर दैट एक्ट्रेसेस एग्री टू डू अ फिल्म विदाउट मेकअप, एंड दिस फिल्म नो एक्टर हैज डन मेकअप एज सच, वेदर इट इज कोंकणा और तनिष्ठा और एनी ऑफ द अदर एक्टर्स. एंड आई थिंक आई मस्ट सल्यूट द गट्स ऑफ अ गर्ल. Why are you looking the other side? Well, you are going to see her with makeup. Come along. Yeah, can you recognize her? Can you tell us how you did this without makeup? How you managed to do it? Like how I'm at home without makeup, like of complete jelly. That's how I was in the film. And that's why you cast me, no? Because I am a complete jelly. Yeah, you are an absolute natural. Thank you for doing that for us. Thank you so much. I hope I haven't missed out any actors in the... is anyone here? I'm extremely sorry because... Okay, I missed him out. I'm so sorry, Mr. Vinay Pathak himself.
Vinay's performance is something that is so awe-inspiring that now he'd probably think that this man, that's me, is becoming so boring trying to tell the audience what he has achieved. But what Vinay has done, it's there for the world to see. You saw glimpses of it now, and you must watch the film to actually get the full impact of what he's done. And finally, the person who's going to get this film onto the screens in India, he is as important as the first person who walked in here, that's the producer. Please welcome Mr. Girish Wankhede of Entity One. Thank you, Girishi. Thank you so much for supporting this film. You're as valuable to us as Snehalji and Devdarji. I now request Snehalji and Devdarji to come up here for a photo op. And if there are any questions from the audience, from the press, please feel free to ask them. Thank you. I know, it's a big cast and a big technical team, so please, yeah, as just let us know how you want this. Okay. We're here. No panic. Padh jao. Chill. Abhi to bed. Sunil, bed ja yaar. Ye niche ho ja ye. Yeah, got it. Thank you, sir. Thank you. English bolna padta hai kabhi kabhi. Angrezi chale gaya. Angrezi. Okay, the actors, please. Can we have the I'm not an actor in this film. Nikal uska fire nikal de. One. The cast. It is star cast. I'm not the star. I'm only sir. Sir, baad mein solo bolega. Hey, kaun hai? Hey, bhai, still. Alag se jaam se. Hey, red. देखो बच्चों को मार रहे सर, बच्चे की जान ले रहे। हाँ विनय सर, क्या कहेंगे इस फिल्म के बारे में जब आपसे ये कहानी कही गई थी कि गौर हरी दास्तान एक फ्रीडम फाइटर पे बेस्ड है? जी जी, तब आपका क्या रिएक्शन था? क्या सबसे पहले तो ये कि मैंने इनके बारे में जो अखबार में खबर आई थी वो मैंने वो खबर पढ़ी थी, और उसके कुछ महीनों के बाद मुझे जब अनंत सर ने फ़ोन किया और मैं उनसे मिलने गया, और उन्होंने जब मुझे बताया कि उनके जीवन पे ये एक फिल्म बनाने जा रहे हैं, तो एज एन एक्टर तो मैं बहुत उत्साहित हो गया। दूसरा, मैं ये जानना चाहता था कि स्क्रिप्ट कैसे लिखी जाएगी, कहानी क्या है उनकी। कहानी चुकी तो जो अखबार में न्यूज़ था उससे जाहिर था कि क्या है कहानी, उनका संघर्ष भारतीय सरकार के साथ पिछले 30 सालों से, फ्रीडम फाइटर सर्टिफिकेट लेने के लिए जो जद्दोजहद उन्होंने की, वो उनकी कहानी थी, उनके संघर्ष की कहानी थी। लेकिन सिनेमा के लिए उसको लिखना एक बहुत बहुत बड़ा संघर्ष अपने आप में है। तो जब मैंने उनसे पूछा कि स्क्रिप्ट कैसे लिखी जाएगी, तो उन्होंने मुझे बताया कि सीपी सुरेंद्रन साहब स्क्रिप्ट लिख रहे हैं, और मैं सीपी सुरेंद्रन साहब का बहुत कायल हूँ। मैं उनको बहुत सालों से जानता था, बतौर जर्नलिस्ट, बतौर पोएट एंड बतौर लेखक, लेकिन ये उनकी पहली फिल्म बतौर स्क्रिप्ट राइटर थी।
तो इसके बाद हमारा कोलैबोरेशन भी शुरू हुआ। हम कई बार दास साहब से मिलने भी गए, दहिसर में रहते हैं दास साहब। तो इसके बाद जब वो स्क्रिप्ट बनकर आई तो धीरे धीरे उसमें काफ़ी बातें गौर हरिदास जी की, जो हम रोज़ जाके मिलते थे उनसे, जो नई बातें उजागर हुई वो हम सब स्क्रिप्ट में, क्योंकि मतलब उनके 30 साल का जो संघर्ष रहा है वो इतना बृहद है कि हम सारी बातें फिल्म में नहीं कह सकते, तो उसमें से क्या हम पिक करेंगे, क्या सेलेक्ट करेंगे और क्या दिखाएंगे, वो उन तानों बानों से बुनी है ये। ऐसी कोई चीज़ थी जिससे आप इंस्पायर हुए? सारी चीज़ मतलब एक चीज़ नहीं थी। बाय 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 बाय। देखिए उनको पकड़ा नहीं, आप लोग इन्हें भाग रहे हैं। तो उनकी हर चीज़ काफ़ी इंस्पायरिंग है दास जी की। वो इतने सिंपल हैं, उनकी सादगी जो है, और उनमें ज़रा भी अभी भी 30 सालों के संघर्ष के बाद ज़रा भी कटुता नहीं है। ये मैंने जो महसूस की उनसे मिलने के बाद, सबसे अहम बात उनकी ये है कि उनमें अभी भी किसी के प्रति ज़रा भी कटुता नहीं है। वो इतने मृदुभाषी हैं, इतने मधुर स्वभाव के हैं, हमेशा खुश रहते हैं अभी भी। उनकी अभी उम्र कुछ 81-82 ईयर्स की होगी, लेकिन अभी भी उन्हें कोई मलाल नहीं है, कोई बड़ा दुख नहीं है वो, और अंदर से चित्त से प्रसन्न व्यक्ति। विनय, कमल हासन जैसे वेटरन है इस चीज का कि कमल हासन जैसे वेटरन एक्टर किसने जीता ये राउंड? मैंने जीता सर, मैंने राउंड की जो जीता। कमल हासन जैसे वेटरन एक्टर देखना चाह रहे हैं इस फिल्म को, इस बारे में क्या कहना चाहेंगे? कितना तो अच्छी बात है, ये तो बहुत अच्छी बात है। मैं कहना चाहूंगा कि इट्स ग्रेट, आई होप ही गेट्स। और दूसरी बात है सर, रॉयल्टी दिया है जो मतलब बायोपिक का, तो आपका कुछ इंस्पिरेशन है कुछ सोशल इनिशिएटिव के लिए तौर पे आप कुछ देना चाहेंगे? अरे भाई ये बायोपिक मेरा नहीं है, उनका है, लेकिन उन्होंने चैरिटी में दिया है, वो कहना चाहूंगा मैं। तो ये मतलब वही, मैं तो वही बता रहा हूँ अभी आपको कि दास जी का जो स्वभाव है, उनकी जो सादगी है, वो बहुत ही इन्फेक्शस है। अच्छा। उन्होंने मतलब उनकी कई बातें ऐसी हैं, जब आप उनसे मिलेंगे आपको तो, बल्कि मैं इसलिए कह रहा हूँ कि आप मीडिया वालों को उनसे जाके मिलना चाहिए। उनके साथ अगर आप आधा घंटा गुजारें तो आपको लगेगा कि कैसे एक इंसान 30-35-40 सालों तक संघर्ष करता रहा और अभी भी इतना सादा, इतना खुश, इतना प्रसन्न कैसे है। He's one of the most wonderful man I've ever met. As an actor and as a person, how have you evolved doing this film? That's what I'm saying. I think, of course, as an actor, you do your things and you know, you do your homework, you have a technique you think that you're going to follow, and you practice, you do your, you know, you do whatever is it that you're supposed to do vis-a-vis the characters, vis-a-vis its background and your homework. But when a film like this happens, fortunately you have the right source for your research. And every time I went and met him, every time, he's a simple man. He lives, you know, very simply. He lives in a society very humbly. He has no qualms about who he is, and at the end of the day he is so happy. He's just so happy. You hear his story, and as a journalist or as a person, whoever you are, and if you feel for his story, you would have an angst that how could system, how could our governance ignore him so much. So you would feel like standing up for him. But when you meet the person himself, his approach to life in general, not just the government or the system or the society that he lives in, his approach to life in general is so gentle and so wonderful that it's, as I said, I've never met a person like this. And yes, your question, how have I evolved? I think Das Ji challenges you and coaxes you to become a little better than what you were yesterday. That I feel so. आखिरी सवाल. I love you. क्योंकि नाम भी मैसेज पे बेस्ड है, फिल्म सोशल इशू सोशल मैसेज पे बेस्ड है, तो जो लोग इसे देखेंगे उनके लिए क्या एक अलग अलग चीज़ होगी जो जिसे लोग देखें और इंस्पायर्ड हो? भाई ये सोशल मैसेज पे बेस्ड नहीं है, आपका आपके सवाल में थोड़ी त्रुटि है। हाँ, मैं बताता हूँ, ये उनके जीवन पर आधारित है और उनका जीवन बहुत संघर्ष में रहा है, तो इससे लोगों को क्या सीख मिल सकती है एक सिंपल? वो तो आप देखेंगे तो आप समझ जाएंगे, वो मैं तब से कह रहा हूँ। सीख यही है कि एक इंसान की जीवटता,
कि आप या तो आपके खिलाफ हो रहा है, आपके घर में पानी नहीं आ रहा पिछले 15 दिनों से, और आप कह रहे कि नहीं नहीं वो मैंने बोला है म्यूनसिपैलिटी में आ जाएगा वो, तो आपको म्यूनसिपैलिटी कहती है कि आप रोज़ वहाँ आइए दफ्तर में और रोज़ आप एक ये भर के जाइए, फिर हम देखेंगे कि आपके यहाँ पानी क्यों नहीं आ रहा। और आप 15 दिनों तक ये करते रहें तो मुझे मतलब पूरा विश्वास है कि 16वें दिन आप नाराज़ हो जाएंगे, आप क्रोधित हो जाएंगे, और फिर आपको 16वें दिन कहेगा कि 15 दिन और आना पड़ेगा भाई, क्योंकि थोड़ा वो जो अफसर है वो बदल गया है, तो आप आगे के 15 दिन भी जाएंगे। इसके बाद वो कहेंगे अच्छा अभी नया रूल निकला है कि अब एक महीना तक आपको आना पड़ेगा। तो आप बतौर ह्यूमन बीइंग जो आप हैं, जो सज्जन हैं, आपके अंदर सज्जनता कितनी बाकी रहेगी और आपके अंदर जो पेशेंस है, जो धैर्य है, वो कितना रहेगा? ये सब धैर्य जी की कहानी सुन के ना आप समझेंगे कि वो क्या चीज़ है। तो सीख जो है, सीख तो मतलब मुझे अभी मिल रही है आपसे बात करके, ठीक है ना, मैं भी सीख मिल रही है। लेकिन फिल्म देखकर क्या सीख मिलेगी वो मतलब उनकी कहानी तो आप पहले ही बता चुके हैं, मीडिया से ही सबसे पहले उनकी कहानी निकली है। 2009 में वो फ्रंट पेज न्यूज़ थे जब उनको आखिरकार सरकार ने मान्यता मतलब पत्र दिया, तो ये तो आपकी कहानी है, मेरी कहानी तो है नहीं, लेकिन आपने तो किरदार निभाया है। हाँ, तो किरदार हमने आप ही की कहानी का निभाया है, समझ रहे हैं आप? तो इससे लोगों को क्या शिक्षा मिलेगी, ये पांचवी कक्षा में हमसे सवाल पूछा जाता था कि ये कौवे और घड़े की कहानी पढ़ने के बाद आपको क्या शिक्षा मिलती है? सबसे पहले शिक्षा की लालच बुरी बला है, ठीक है, और दूसरा ये कि कठिनाई में अपना कॉमन सेंस हमेशा खुला रखना चाहिए। आपके सामने ये पहली बार स्क्रिप्ट आई, ये कहानी तब आपका क्या रिएक्शन था, कैसा कुछ इंडियन? नहीं, अरे सर, इंडियन यूथ हूँ, आज के यूथ को रिप्रेजेंट करता हूँ, मराठी फिल्मों में काम करता हूँ, लेकिन ये चीज़ मुझे मालूम ही नहीं थी कि अपने देश में ऐसा कोई बंदा है जो अपने आप को क्या बोलते प्रूव कर रहा है सिस्टम के सामने, अपनी सरकार के सामने, कि मैंने भी अपने देश के लिए खून बहाया है या मैंने भी अपने देश के लिए कुछ काम किया है और सिस्टम मान नहीं रही, और वो बंदा पिछले 30 सालों से लगा पड़ा है। ये मुझे ही मालूम नहीं था जब तक ये सिनेमा मेरे, ये स्क्रिप्ट मेरे पास नहीं है, या सचिन सर ने या अनंत सर ने मेरे को ये चीज़ बताई नहीं थी, तो शॉक्ड हूँ। लेकिन मैं क्या बोलूँ, मैं कॉन्ग्रेट्स करूँगा सचिन खानोलकर और अनंत सर को, क्योंकि एक अलग सब्जेक्ट, एक फिल्में तो हर एक जन बनाता है, कमर्शियली बनाता है, थोड़ी आर्ट वाली बनाता है, लेकिन ये सच्ची कहानी है, जो आदमी आज भी ज़िंदा है, वो रह रहा है दहिसर में, उसकी कहानी बताने की चीज़, और ये यूथ को। तो एक्साइटेड भी हूँ क्योंकि अच्छी फिल्म बनी है, उस पूरे गौर हरिदास्ता जी की जो सफ़र है 30 सालों का, उसमें एक उनको अलग अलग जो इंसान मिले हैं, अलग अलग लोग मिले हैं, उसमें से एक जो किरदार है मैं भी कर रहा हूँ, तो बहुत अच्छा रोल है, बहुत अच्छी कहानी है और बहुत अच्छी फिल्म है। तो मैं मेरे हर इंटरव्यू में एक चीज़ तो बहुत बोलता हूँ कि रोल छोटा या बड़ा है, इससे मैं ये मेरे लिए कोई मायने नहीं रखता, लेकिन अच्छी फिल्म का पार्ट होना बहुत बड़ी बात है। रोल क्या? सर, मैं एक एजेंट बना हूँ जो आपके सामने, आपके आजू बाजू में बहुत जन घूमते रहते हैं, जैसे गणपति के लिए हो, किसी भी के लिए, मेरी पहचान है, मैं करके दूंगा, तू टेंशन मत ले, ऐसे बोलने वाले बहुत लोग मिलते लाइफ में आपको, अरे टेंशन मत ले, मेरी पहचान है। तो वैसा ही बंदा है, मैं उस कॉम को या उस लोगों को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ जिनका लाइफ में खुद का कोई अस्तित्व नहीं है, लेकिन वो दूसरों के अस्तित्व ढूंढने के लिए मदद कर रहा है। तो ये अच्छी चीज़ है, और फिल्म भी अच्छी बनी है, रोल भी अच्छा बना है, और जो सीन मैंने विनय जी के साथ किया है वो भी अच्छा बना है। सर, जैसे कि आपने कहा कि आपको कहानी पता नहीं थी और जब भी आपने पहली बार सुनी तो आपको कहीं ना कहीं शॉक लगा था, तो क्या लगता है ऑडियंस क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं, क्या उन्हें भी एक शॉक लगेगा ये कहानी? आज के यूथ को तो ज़रूर लगेगा, क्योंकि हमारी जो आज की यूथ है वो ट्विटर, फेसबुक और व्हाट्सएप पर लगी है। हम ये जो एनर्जी है वो आज की ज़रूरत है, वो करना चाहिए, लेकिन ऐसी चीज़ें भी हमारे देश के लिए हुई है। 15 अगस्त, 26 जनवरी और इंडिया पाकिस्तान का मैच, ये 3 दिन छोड़े तो हम लोगों का देशभक्ति का जो क्या बोलते हैं उसको, जो खून खोलना है ना, वो नहीं होता। तो ये हम लोग एक्टर हैं, हम लोग फिल्म मेकर हैं, हम लोग रंगमंच के कलाकार हैं, तो हम हमारे तरफ से जो रिएक्ट होना है वो हमारे माध्यम से हो रहे हैं, जैसे फिल्मों में से हो रहे हैं, नाटकों से हो रहे हैं,
तो हमारे पास ये चीज़ है रिएक्ट होने के लिए, तो हम रिएक्ट हो रहे हैं। हम आज के लोगों को, स्पेशली आज के यूथ को बता रहे हैं कि भाई लोग, ये लोग ने भी हमारे लिए खून बहाया है, उसके लिए कुछ करना चाहिए। सिद्धार्थ, मराठी फिल्म से आप हिंदी सिनेमा में भी एक्टिंग भी कर रहे हैं, तो आगे किसी सफर ऐसे चलने वाला है और हिंदी सिनेमा आप चाहेंगे करना या किस तरह से, क्या सोच? सिद्धार्थ जादव तो अभी आपको हिंदी फिल्मों में दिखेगा, हिंदी फिल्में की हैं, अच्छे अच्छे रोल किए हैं, मराठी तो चल रही है, मराठी भी अच्छी चल रही है, तो हिंदी या मराठी ये मेरे लिए कोई मायने नहीं रखता, एक्टिंग करना है तो अलग अलग प्लेटफॉर्म पे हिंदी के सिद्धार्थ तो आपको जरूर दिखेगा और मराठी में तो दिखे जरूर दिखेगा।